गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज हम एक नया टॉपिक लेते हैं, सिस्टम कॉल्स। तो थोड़ा सा डिटेल में देते हैं उसको कि सिस्टम कॉल्स क्या होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बता दूं सिस्टम कॉल से पहले कि सिस्टम कॉल क्या होता है। बेसिकली ये प्रेजेंटेशन में देखते हैं, प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि सिस्टम कॉल्स बेसिकली होता क्या है। ओके, तो आइए सिस्टम कॉल पे फोकस करते हैं। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर में अगर देखें, एक टॉपिक था आपका ओएस स्ट्रक्चर, तो ये बहुत सारे टॉपिक्स हमने ये होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज क्या होते हैं, यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस क्या है, ये सिस्टम कॉल देखने आ गया, टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स क्या है, सिस्टम प्रोग्राम्स क्या है। तो आइए सीधे चलते हैं सिस्टम कॉल पे। सिस्टम कॉल पे चलते हैं। जी जी, तो देखिए प्रोग्रामिंग इंटरफेस टू द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ओएस। तो एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो है ये प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोग्रामिंग इंटरफेस सर्विसेज के लिए प्रोवाइड किया जाता है सिस्टम कॉल। और इसको हम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज सी या सी प्लस, मोस्टली एक्सेस बाय प्रोग्राम वाया हाई लेवल एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस रादर देन डायरेक्ट सिस्टम कॉल यूज। तो मोस्टली जो एक्सेस होता है बाय प्रोग्राम वाया हाई लेवल एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस रादर देन डायरेक्ट सिस्टम कॉल यूज। थ्री मोस्ट कॉमन एपीआई आर Win32 एपीआई फॉर विंडोज, पोजिक्स है, एपीआई है, पोजिक्स बेस्ड सिस्टम्स हैं, वर्चुअली जितने वर्जन हैं यूनिक्स के, लाइनक्स, मैकिंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड जावा एपीआई फॉर द जावा वर्चुअल मशीन है, JVM जिसको बोलते हैं। हाई यूज एपीआई रदर देन सिस्टम कॉल। तो ये जैसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिमाग में आते हैं। सिस्टम कॉल नेम्स यूज थ्रू आउट दिस टेक्स्ट आर जनरिक। हम क्या करते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल आप सिस्टम कॉल में देखें तो सिस्टम कॉल इज सीक्वेंस ऑफ कॉपी ऑफ द कंटेंट ऑफ वन फाइल टू अनदर। सिस्टम कॉल सीक्वेंस टू कॉपी द कंटेंट ऑफ वन फाइल टू अनदर फाइल। ये सोर्स फाइल है, डेस्टिनेशन फाइल। तो सिस्टम कॉल सीक्वेंस देखिए बहुत सारे फाइलें हैं, एक्वायरिंग इनपुट फाइल नेम, राइट रिमूव टू स्क्रीन एक्सेप्ट इनपुट, एक्वायरिंग आउटपुट फाइल नेम, राइट रूम टू स्क्रीन एक्सेप्ट इनपुट, ओपन द इनपुट फाइल, इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट अबाउट क्रिएट अबाउट फाइल, इफ फाइल एग्जिस्ट अबाउट लूप में देखिए रीड फ्रॉम इनपुट फाइल, राइट टू आउटपुट फाइल अंटिल रीड फेल्स चूज आउटपुट फाइल, राइट कंप्लीशन मैसेज टू स्क्रीन टर्मिनेट नॉर्मली, कंसीडर द रीड फाइल फंक्शन इन द। तो ये सारे के सारे आपके पैरामीटर्स बेस्ड हैं रीड फाइल, इस सब के सब पैरामीटर्स हैं जो आपके सामने यहाँ नजर आ रहा है, इस सब के सब पैरामीटर्स हैं। ये आपका एग्जाम्पल आप स्टैंडर्ड एपीआई, ये सब चीजें इसी के थ्रू आती हैं। अब यहाँ पे एक चीज आती है वो आता है सिस्टम कॉल का इम्प्लीमेंटेशन। तो देखिए जो सिस्टम कॉल है ये इंटरफेस मेंटेन अ टेबल इंडेक्स अकॉर्डिंग टू दीज नंबर, और सिस्टम कॉल इंटरफेस इन्वोक द इंटेंडेड सिस्टम कॉल इन ओएस कर्नल एंड रिटर्न स्टेटस ऑफ द सिस्टम कॉल एंड एनी रिटर्न वैल्यू। तो द कॉलर नीड नाउ नथिंग अबाउट हाउ द सिस्टम कॉल इज इम्प्लीमेंटेड, जस्ट नीड टू ओवे एपीआई एंड अंडरस्टैंड व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम विल डू एज अ रिजल्ट। जैसे कि सिस्टम कॉल में एक चीज आप भी देखते हो कि जैसे आप कभी भी किसी चीज को मिनिमाइज करो, जैसे कि मैं आपके यहाँ देखिए जैसे जैसे माउस वगैरह जा रही है आप जहां भी जाते हो जो इनेबल होगा हमारे में यहाँ लेके देखिए, जैसे हम माइक लेके जाते हैं यहाँ पे देखिए तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। यानी कि जो मूवमेंट हम करते हैं अकॉर्डिंग टू इनपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड लाइक माउस
तो हम मिनिमाइज करें या क्लोज करें या मैक्सिमाइज करें। देखिए जो भी ये सिस्टम कॉल तुरंत हुआ है कि आप क्लोज करना चाह रहे हो, कि आप रिस्टोर डाउन करना चाह रहे हो, कि आप मिनिमाइज करना चाह रहे हो तुरंत, यानी कि जो भी हरकत है उस हरकत पे ये तुरंत रिएक्ट करता है। जैसे कॉलर नीड टू नो नथिंग अबाउट हाउ द सिस्टम कॉल इज इम्प्लीमेंटेड, जस्ट नीड टू ओबे एपीआई एंड अंडरस्टैंड व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम विल डू एज ए रिजल्ट कॉल। मोस्ट डिटेल ऑफ ऑपरेटिंग डिटेल फ्रॉम द प्रोग्रामर बाई एपीआई, रन टाइम सपोर्ट, लाइब्रेरी है, ये सारी चीजें सबको मैनेज करता है आपका सिस्टम कॉल। अब देखिए सिस्टम कॉल में जो ओएस रिलेशनशिप है किस तरह होता है ये समझिए। एपीआई के थ्रू होता है, देखिए ये सिस्टम कॉल इंटरफेस है, ये यूजर मोड है, ये कर्नल मोड है, दो मोड है, आप कर्नल मोड और यूजर मोड। तो यूजर एप्लीकेशन क्या कह रहा है, ओपन फाइल, तो सिस्टम कॉल इंटरफेस उसको प्रोवाइड करता है ओपन। तो जब ओपन फाइल होती है, देखिए ओपन इंप्लीमेंटेशन ऑफ ओपन ओपन फंक्शन सिस्टम कॉल देन रिटर्न, तो जो कुछ भी जैसे मैं कहता हूं मिनिमाइज, तो यहां पे क्या लिखा आएगा, मिनिमाइज इंप्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमाइज फंक्शन सिस्टम कॉल देन रिटर्न, क्योंकि आपको जिस चीज की वो रिक्वायरमेंट यूजर आपसे कह रहा है वो सिस्टम कॉल इंटरफेस जो होता है वो कर्नल के थ्रू, कर्नल मोड के थ्रू वो चीजें इंप्लीमेंट कर देता है विद इन सेकेंड, बहुत ही कम समय में, तुम्हें पता ही नहीं चलता। ये सिस्टम कॉल पैरामीटर है जिसको हम देखते हैं, इस पैरामीटर को यूजुअली मोर इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड देन सिंपली आइडेंटिफाई ऑफ डिजायर्ड सिस्टम कॉल, एग्जैक्ट टाइम एंड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन वेरी अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कॉल। जैसे थ्री जनरल मैथड है यूज पास पैरामीटर टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंपलेस्ट में क्या है, पास द पैरामीटर इन रजिस्टर, पैरामीटर स्टोर इन ब्लॉक, पैरामीटर प्लेस्ड या पोस्ट ब्लॉक एंड स्टॉप मैथड, ये चीजें मैं यहां पे यूज करता हूं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल। देखिए एक प्रोसेस कंट्रोल है जिसके अंदर एंड, अबॉर्ट, लोड, एग्जीक्यूट, क्रिएट प्रोसेस, टर्मिनेट प्रोसेस, गेट प्रोसेस एक्सिक्यूट, सेट प्रोसेस एक्सिक्यूट, वेट फॉर टाइम, वेट इवेंट, सिग्नल इवेंट, एलोकेट एंड फ्री मेमोरी, ये सारे आपके प्रोसेस कंट्रोल है। फाइल मैनेजमेंट ये भी सिस्टम कॉल है, क्रिएट फाइल, डिलीट फाइल, ओपन क्लोज फाइल, रीड राइट रिपोजिशन, गेट एंड सेट फाइल एक्सिक्यूट, डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर रिक्वेस्ट डिवाइस, रिलीज डिवाइस, रीड राइट रिपोजिशन, गेट डिवाइस एक्टिट्यूट, सेट डिवाइस एक्टिट्यूट, लॉजिकली अटैच डैश डिवाइस, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, गेट टाइम एंड गेट डेट, सेट टाइम और डेट, गेट सिस्टम डेटा, सेट सिस्टम डेटा, गेट एंड सेट प्रोसेस, फाइल एंड डिवाइस एक्टिट्यूट, इस सब के सब आपके सिस्टम कॉल। कम्युनिकेशन के अंदर देखें तो क्रिएट, डिलीट कम्युनिकेशन कनेक्शन, सेंड रिसीव मैसेज, ट्रांसफर स्टेटस इंफॉर्मेशन, अटैच डिटैच रिमोट डिवाइस, ये सारे के सारे आपके सिस्टम कॉल हैं। तो टाइप ऑफ सिस्टम कॉल जो मैंने आपको अभी बताया। एंड अब आते हैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट को मैं बताता हूं आपको। देखिए अब हम बात करते हैं फोर सिस्टम कॉल एंड प्रॉब्लम, फोर एंड प्रॉब्लम, ये फोर सिस्टम कॉल होता चाहिए। तो ये देखिए ये फोर सिस्टम कॉल है,
इसमें क्या है कि जो चाइल्ड प्रोसेस है, चाइल्ड प्रोसेस यूजेस द सेम पीसीबी, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सिस्टम कॉल. अ चाइल्ड प्रोसेस यूजेस द सेम पीसीबी या प्रोग्राम काउंटर एंड सेम सीपीयू रजिस्टर, सेम ओपन फाइल व्हिच यूज इन द पेरेंट प्रोसेस. यानी कि चाइल्ड प्रोसेस यूजेस दिस सीपीयू रजिस्टर ओपन फाइल पीसीबी जो पेरेंट प्रोसेस में यूज होती हैं. अब जैसे मेमोरी और एड्रेस स्पेस है तो विल दे शेयर, क्या शेयर होगा? तो नेगेटिव वैल्यू में देखते हैं, क्रिएशन ऑफ चाइल्ड प्रोसेस वाज अनसक्सेसफुल. अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव आती माइनस में तो आपका चाइल्ड प्रोसेस अनसक्सेसफुल क्रिएट हुआ. अगर वैल्यू जीरो होती तो रिटर्न टू द न्यूली क्रिएटेड चाइल्ड प्रोसेस, वो एक नया चाइल्ड प्रोसेस आपको रिटर्न करेगा. अगर वैल्यू पॉजिटिव होती तो रिटर्न टू पेरेंट या कॉलर, तो आपको पेरेंट प्रोसेस रिटर्न करेगा. तो द वैल्यू कंटेन प्रोसेस आईडी ऑफ न्यूली क्रिएटेड चाइल्ड प्रोसेस. फोर्क सिस्टम का तो बहुत सारे गेट में क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं फोर्क सिस्टम कॉल. तो फोर्क सिस्टम कॉल क्यों यूज करते हैं? न्यू क्रिएटेड चाइल्ड प्रोसेस जनरेट, यानी कि नया चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करने के लिए हम फोर्क सिस्टम कॉल यूज करते हैं. जिसमें से अगर वैल्यू निगेटिव है तो हमारा चाइल्ड प्रोसेस अनसक्सेसफुल है, क्रिएट नहीं हुआ. अगर वैल्यू जीरो है तो हमें नया चाइल्ड प्रोसेस मिलेगा. अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो हमें वो पेरेंट प्रोसेस रिटर्न करेगा. जैसे कि देखिए, मैं आपको फिगर दिखाता हूँ. देखिए, दिस इज अ पेरेंट प्रोसेस एंड दिस फोर्क सिस्टम कॉल यूज. हमने आज फोर्क सिस्टम कॉल यूज कर रखा है. तो देखिए, रिटर्न जीरो प्रोसेस आईडी मतलब न्यू प्रोसेस एंड न्यू चाइल्ड क्रिएट, रिटर्न न्यू पीआईडी नॉन जीरो ओरिजिनल प्रोसेस. ये वही ओरिजिनल जो फोर्क सिस्टम यूज करते हैं किसी प्रोसेस में, तो खुद का प्रोसेस तो रहता ही रहता है, बट एक नया चाइल्ड प्रोसेस भी वो क्रिएट कर देता है. एक नया चाइल्ड प्रोसेस वो क्रिएट कर देता है. इसी तरह इसका एग्जाम्पल लेके चलो. देखिए, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया इंट मेन एंड फॉक सिस्टम एंड फॉक सिस्टम. इंट मेन एंड फॉक सिस्टम, ये फॉक सिस्टम देखो बना हुआ. और यहां पे एक मैसेज मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूं, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड. रिपीट करेगा, रिटर्न जीरो. तो अब सोचने वाली बात यह है कि यहां पर जो है एक ही फोर्क सिस्टम कॉल यूज हुआ है. जैसे देखिए, देखिए जैसे मैं कोई ले लूं, जैसे मैं यहीं पर देखता हूं, ये बना हुआ है. मैं यहां पर एक यहां से क्या ले लूं, ये मैं यहां से लूं कि एक इंट, ये आपका इंट है, इंट मेन फंक्शन. यहां पे मैं यूज करूंगा एक फोर्क सिस्टम कॉल. ये फोर्क सिस्टम, तो अब हम यहां पे क्या देखते हैं, यहां पर ये आपका
और मैं यहां पे कर दूं प्रिंट आपको हेलो हेलो प्रिंट कराना मुझे। ठीक है, यहां पे मैंने एक ऐसे इसको बंद कर दिया। तो देखिए, आपने एक ही सिस्टम कॉल यूज किया है, एक वो सिस्टम है। अगर एक सिस्टम एक ही फोक सिस्टम है तो आपका हेलो यहां से किया ना, आपने यहां से तय किया ना, तो क्या बनेगा यहां पे एल। इंट में और देन प्रिंट, प्रिंट हेलो। एंड देन ये एक चाइल्ड प्रोसेस आपका क्रिएट हुआ, क्योंकि सिस्टम का आप कितना फोक सिस्टम यूज किया, एक यूज किया, और ये ओरिजिनल तो है ही, ये ओरिजिनल तो है ही आपके पास। तो इसको बोलते हैं पेरेंट प्रोसेस। क्या बोलते हैं? पेरेंट प्रोसेस। ये आपका पेरेंट प्रोसेस है और इसको बोलते हैं चाइल्ड प्रोसेस। ये आप चाइल्ड प्रोसेस। सपोज करो, थोड़ा सा यहां पे अगर गौर करो, मैं इसको यहां से हटा दूं ऐसे कर, इसको मैं ऐसे हटाता चलूं और यहां पर जो है एक मैं जो है एक फोक सिस्टम कॉल और ले ऐसे कर, ये मैं एक और ले लेता हूं ऐसे, और यहां पे वही प्रिंट ऑफ, ये प्रिंट ऑफ, मैंने एक और जो है फोक सिस्टम ले लिया प्रिंट ऑफ, यहां पे हेलो प्रिंट करा रहा हूं। ये तो आपका पेरेंट प्रोसेस हो गया। तो अगर मैं इस वाले फोक सिस्टम को ओपन करता हूं तो इसके जस्ट आगे वाली लाइन से स्टार्ट करें, यानी यहां पर एक फोर और बनेगा है। राइट, अब ये ऑलरेडी एक तो प्रोसेस ही होगा, अब इसको फिर से ब्रेक करना पड़ेगा, इसको फिर से ब्रेक करेंगे तो एक अलग, ये सी वन हो गया, यहां पर एक सी टू बनेगा, पर सी टू के लिए ये पेरेंट प्रोसेस होगा बनेगा, फिर यहां से हम स्टार्ट करेंगे तो एक और बनेगा ऐसे, सी थ्री बनेगा। और जब तक फोक सिस्टम रहेगा आपके प्रोग्राम में, तब तक ये बनता रहेगा। तो जब मैंने इसको ट्रेस किया आपको ये क्रिएट हुआ, इसके लिए पेरेंट प्रोसेस कौन हुआ, ये हुआ, और इसके लिए पेरेंट प्रोसेस कौन सा हुआ, ये हुआ। तो एक दो तीन ये चार, तो अगर दो फोर्क सिस्टम आप यूज कर रहे हैं तो आपके चार टोटल प्रोसेस बन रहे हैं। और कितनी बार आपका
हेलो प्रिंट होगा, तो एक बार तो ये प्रिंट करेगा भाई। जब आपने इसको किया तो यहां तो ब्रेक हुआ, इसको किया तो यहां तो ब्रेक हुआ, ये ब्रेक होते चला गया। तो अब सवाल आता है कि एक बार ये प्रिंट करेगा, एक बार ये प्रिंट करेगा, एक बार ये प्रिंट करेगा और एक बार ये प्रिंट करेगा, कि चार बार हेलो प्रिंट होगा। अब सवाल आता है टोटल चाइल्ड प्रोसेस कितने होंगे। ये एक चीज दिमाग में आई, आइए देखते हैं अगले प्रेजेंटेशन में। ये देखिए, तो आपका हेलो वर्ड कितनी बार प्रिंट हुआ, देखिए यहां पर एक बार फोर यूज किया था, हेलो वर्ड कितनी बार प्रिंट हुआ, दो बार, एक बार ये देखो दो बार आउटपुट दो बार प्रिंट करेगा। इनके आप होम सिस्टम कितने यूज कर रहे हो, दो यूज कर रहे हो, जो मैंने यहां पे यूज कर रखा। तो आपका फंक्शन कैसे प्रिंट करेगा, देखो एक दो तीन चार, चार बार हेलो वर्ड प्रिंट कर रहा है। अगर तीन बार आप फंक्शन को यूज करते हो फ्री टाइम, तो देखिए तो कितनी बार यूज करेगा, आठ बार यूज करेगा। तो ये गेट में क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन आई प्लस वन, फोक सिस्टम में द टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस क्रिएटेड इज कितना होगा, टू के पावर एन माइनस वन, ये होगा बी नंबर। क्यों, वो चाइल्ड प्रोसेस पूछ रहा कितना। अगर मैं पीछे जाऊं, देखिए जितना प्रोसेस आपके पास टोटल हेलो वर्ड कितनी बार, टू टू पावर एन टाइम, आठ बार हेलो वर्ड आपको प्रिंट होगा, लेकिन चाइल्ड प्रोसेस कैसे क्रिएट होगा, देखिए एक जब इसको ब्रेक करोगे तो ये तो पैरेंट हो गया ना, इसको ब्रेक करोगे तो एक प्रोसेस क्रिएट होगा, उसके नीचे दोनों स्टॉप आ जाएंगे, ठीक। इसके बाद फिर दूसरे को आप उसी में ब्रेक करोगे, जैसे कि देखिए ये आपने इसको ब्रेक किया, ये बना एक तो ये बना, आप इसको ब्रेक किया तो ये बना, आपने एक बार इसको ब्रेक किया यहां से आ गया, इसको ब्रेक किया तो ये बन गया, बना। और इसी प्रकार जब आप इसको ब्रेक करेंगे, इसको ये तो नहीं बनेगा, खैर मैं इसको हटा देता हूं, ये नहीं बनेगा, यहां पे दो ही बनेंगे। यदि आप इसको ब्रेक करते हैं तो आपका एक प्रिंट यहां पर होगा, सॉरी C3 यहां पर होगा, यह आपका प्रिंट कर देगा, इसके आगे प्रिंट कर देगा। तो एक तो ये चाइल्ड प्रोसेस हो गया, एक ये चाइल्ड प्रोसेस हो गया, एक आपको ये चाइल्ड प्रोसेस हो गया, और टोटल प्रोसेस तो है ही आपको। तो चाइल्ड प्रोसेस कितने हो गए, तीन, यानी कि टू के पावर एन माइनस वन, एन इक्वल टू कितना है, टोटल नंबर ऑफ टू है, तो 2 के पावर 2 कितना हुआ, 4 माइनस 1, अर्थात 3 चाइल्ड प्रोसेस। इसी तरह क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन आपके सामने रखा। अब इसमें पूछा गया ये पेरेंट प्रोसेस है, ये चाइल्ड प्रोसेस है, ये चाइल्ड प्रोसेस। अब ये दोनों चाइल्ड है, पत्नी इनके लिए पेरेंट होगा, ये दोनों चाइल्ड है, पत्नी के लिए पेरेंट होगा, सीक्वेंस से भी चलता चला जा रहा है। अब देखिए, अगर चाइल्ड प्रोसेस बिकॉज रिटर्न वैल्यू जीरो, यानी फोक सिस्टम क्या कर रहा है, जीरो, तो प्रिंट हेलो फ्रॉम चाइल्ड। पेरेंट प्रोसेस बिकॉज रिटर्न वैल्यू जीरो, इसका मतलब ये नॉन जीरो में क्या है, प्रिंट रिटर्न हेलो फ्रॉम पेरेंट। देखिए सपोज करो इंट वैल्यू आपको सामने दी, इनिशियल वैल्यू 5 दिया, फोक सिस्टम 0 दिया, वैल्यू प्लस 5, तो प्रिंट ऑफ द चाइल्ड इक्वल्स टू अदरवाइज वैल्यू माइनस 5, यानी घटता चला जाएगा उस कंडीशन में। अगर 10 है, देखिए वैल्यू यहां कितनी आएगी, 10 था, 10 प्लस 5 कितना, 15 आ गया, अदरवाइज 10 माइनस 5 कितना आएगा, 5। तो अब इसमें क्योंकि आपको जो फोक वैल्यू क्या कर रहा है, जीरो रिटर्न कर रहा है, तो जो पेरेंट प्रोसेस है वो आपको यहां पे 15
तो ये क्या है, चाइल्ड है, चाइल्ड प्रोसेस 15 है, अब पेरेंट प्रोसेस कितने हैं 5। ओके, इस तरह हम इसको यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे हम इसको पॉप सिस्टम को हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल हम अगले लेक्चर में बात करेंगे एक अलग टॉपिक के साथ में। थैंक यू।